सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको ये मेरा मेकअप लुक पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को कीजिएगा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो यहाँ मैं प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो स्विस ब्यूटी का है। इसको मैं पूरा फेस में लगा लूँगी। फिर मैं पैक का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ जिसको मैं पूरा फेस में डॉट डॉट करके लगाऊँगी और मेरे नेक पर भी लगाऊँगी। देन मैं एक ब्रश लेके उसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, मैं यहाँ ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। देन ठीक से ब्लेंड करने के बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से जो भी ब्रश के ब्रिसल सब है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। फिर मैं यहाँ कंसीलर यूज़ कर रही हूँ मैं डार्क सर्कल्स को छुपाने के लिए और पिगमेंटेशन को छुपाने के लिए और जितने भी हाइलाइटिंग पॉइंट है उसको थोड़ा सा और निखारने के लिए। देन मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर से उसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन उसके बाद मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करके आईलिड्स को भी कंसील कर लूँगी। उसके बाद मैं एक कॉम्पैक्ट में ब्यूटी ब्लेंडर को डिप करके अपने आईज़ को अच्छे से कंसीलर को पैक कर दूंगी। फिर मैं यह कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ और अपने फेस को थोड़ा शेप दे रही हूँ। देन मैं यह नोज़ को भी शेप देने के लिए नोज़ पे भी थोड़ा सा कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। उसके बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर लेके अपर डायरेक्शन में ब्लेंड करूँगी जिससे कोई भी हार्श लाइन नहीं दिखे। उसके बाद मैं अपने चिन एरिया पे भी थोड़ा सा ब्लेंडिंग कर लूँगी। देन नोज़ पे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ कॉम्पैक्ट से आई को सेट कर ले रही हूँ। देन उसके बाद मैं एक ट्रांजिशन सेट लगा रही हूँ आई शेडो के लिए। मैं पूरा अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। आउटर व्यू में ज़्यादा फोकस करना है आपको। देन उसके बाद मैं इसको और थोड़ा लेके उसको और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ एक रोज़ पिंक कलर का शेड ले रही हूँ और उसको आउटर व्यू से लेके मिड तक आपको लेके आना है और अच्छे से ब्लेंड करते रहना है। फिर मैं एक यहाँ रेड शेड ले रही हूँ और इसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। उसके बाद सिमर पिंक कलर का शेड लेके इसको अपने आईलिड्स पे लगा रही हूँ। इनर कॉर्नर से आपको पूरा मिड तक लगाना है। फिर मैं यहाँ ब्रश लेके उसको कॉर्नर से अच्छे से इसको लगा रही हूँ और उसको हल्का हल्का ब्लेंड कर रही हूँ। देन मैं यह बहुत लाइट ब्राउन कलर का शेड लेके पूरा इसको अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी जिससे कोई भी हार्श लाइन ना हो। फिर अपने मैं आईब्रो के लिए आईब्रो पेंसिल यूज़ करी जो ब्राउन कलर का है, इसको मैं अच्छे से शेप दे दूंगी। देन मैं ब्राउन शेड लगाने के बाद इसको थोड़ा सा कॉम कर लूँगी जिससे एक शेप में आ जाए। मैं यहाँ मेबलिन का आईलाइनर लेके एक विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। मैं अच्छे से विंग आईलाइनर ड्रॉ करने के बाद एक काजल यूज़ कर रही हूँ जो टॉर्क्यू कलर का है, लैक्मे का काजल है। इसको अच्छे से अपने आईलिड पे लगा लूँगी। फिर मैं काजल को यहाँ थोड़ा सा स्मोक आउट कर रही हूँ। देन मैं पिंक कलर का वही सेट लेके थोड़ा सा अपने लोअर लेसेस पे स्मज कर लूँगी। फिर मैं ब्रोंजर यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से अपने फेस को थोड़ा सा शेप दे दूँगी। और मैं फोरहेड को भी थोड़ा सा स्मॉल दिखाने के लिए ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ। देन उसके बाद मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ जो एप्रिकोट कलर का है। इसको अच्छे से मैं अपने चिक पे लगा लूँगी। देन
एंड मैं अच्छे से ब्लश लगाने के बाद जितना भी मेरा एक्सेस जो भी प्रोडक्ट लग गया उसको ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लूँगी, जिससे एक स्मूथ फिनिश दिखे। उसके बाद मैं थोड़ा सा नोज़ पे भी लगा रही हूँ। फिर मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, मैं इसको अच्छे से अपने चिक बोन पे यूज़ कर लूँगी, देन थोड़ा सा नोज़ पे भी लगाऊँगी। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैं अपने लिपस्टिक को पहले लगा चुकी थी जो नायका का चाय शेड है। देन मैं अपने आई लैशेज पे अच्छे से मस्कारा लगा लूँगी। आपको लॉयल लैशेज पे भी मस्कारा लगाना। उसके बाद मैं आई लैश लगा लूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।